निश्चित तौर पे उस सीआईएसएफ की जवान ने ये बताया भी कि वो बेहद आहत थी। उनकी माँ जब किसान आंदोलन में धरने पे बैठी हुई थी तो कंगना रनौत जी ने बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था कि 100-100 रुपए लेके सड़क पे बैठी हुई है, और उस भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे उनकी भावनाएं आहत थी। उन्होंने आक्रोश में आके इस तरीके का कदम उठाया। निश्चित तौर पर लोगों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाषा का इस्तेमाल किया, दमन का इस्तेमाल किया, उसके प्रति गुस्सा है, उसके प्रति खिलाफत है। बेशक ये तरीका जो सही ना हो, इस तरीके से हिंसा का तरीका, लेकिन उन भावनाओं से हम पूरी तरह से सहमत हैं। जो अपमान किया गया किसान आंदोलन में बैठी हुई माताओं का, जो अपमान किया गया अन्नदाता का, उसको लेके जबरदस्त आक्रोश है। और ये सवाल ये नहीं है, उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कंगना रनौत जी ने, वो उससे भी भद्दा था, उससे भी घटिया था। उन्होंने इसको उग्रवाद और आतंकवाद से जोड़ दिया। क्या हमारी सीआईएसएफ की जवान, क्या हमारे जवान जो वर्दी में तैनात हैं, क्या वो उनको भारतीय जनता पार्टी की नेता उग्रवादी मानती हैं, उनको आतंकी मानती हैं? ये बहुत शर्मनाक और भद्दा बयान था। इसी तरह के बड़बोलेपन की वजह से पहले भी कंगना रनौत जी के खिलाफ काफी गुस्सा लोगों के अंदर भरा हुआ है, और अब फिर उन्होंने इसी तरीके की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ उनको एक नसीहत देना चाहता हूं कि वर्दी पहने हुए भी सारे जवान किसानों के ही बच्चे हैं, किसान माओं के पेट से ही पैदा हुए हैं। एयरपोर्ट पे आप एयरपोर्ट से निकले, दिल्ली जाके आपने बयान दे दिया, जिस संसद में जाओगे वहां पे भी सीआईएसएफ तैनात कर दी है बीजेपी की सरकार ने। पूरी संसद की सिक्योरिटी सीआईएसएफ के साथ है। इसलिए जब आप बोलते हैं किसी के प्रति, अपने ही देश के किसी व्यक्ति के प्रति, आंदोलनरत लोगों के प्रति, तो आपको अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बाद में पछताने और आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ नहीं रह जाता। हिंसा की बजाय आक्रोश का प्रदर्शन किसी भी और कारण से हो, हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं। निश्चित तौर पे उस सीआईएसएफ की जवान ने ये बताया भी कि वो बेहद आहत थी। उनकी माँ जब किसान आंदोलन में धरने पे बैठी हुई थी तो कंगना रनौत जी ने बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था कि 100-100 रुपए लेके सड़क पे बैठी हुई है, और उस भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे उनकी भावनाएं आहत थी। उन्होंने आक्रोश में आके इस तरीके का कदम उठाया। निश्चित तौर पे लोगों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाषा का इस्तेमाल किया, दमन का इस्तेमाल किया, उसके प्रति गुस्सा है, उसके प्रति खिलाफत है। बेशक ये तरीका जो सही ना हो, इस तरीके से हिंसा का तरीका, लेकिन उन भावनाओं से हम पूरी तरह से सहमत हैं। जो अपमान किया गया किसान आंदोलन में बैठी हुई माताओं का, जो अपमान किया गया अन्नदाता का, उसको लेके जबरदस्त आक्रोश है। और ये सवाल ये नहीं है, उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कंगना रनौत जी ने, वो उससे भी भद्दा था, उससे भी घटिया था। उन्होंने इसको उग्रवाद और आतंकवाद से जोड़ दिया। क्या हमारी सीआईएसएफ की जवान, क्या हमारे जवान जो वर्दी में तैनात हैं, क्या वो उनको भारतीय जनता पार्टी की नेता उग्रवादी मानती हैं, उनको आतंकी मानती हैं? ये बहुत शर्मनाक और भद्दा बयान था। इसी तरह के बड़बोलेपन की वजह से पहले भी कंगना रनौत जी के खिलाफ काफी गुस्सा लोगों के अंदर भरा हुआ है, और अब फिर उन्होंने इसी तरीके की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ उनको एक नसीहत देना चाहता हूं कि वर्दी पहने हुए भी सारे जवान किसानों के ही बच्चे हैं, किसान माओं के पेट से ही पैदा हुए हैं। एयरपोर्ट पे आप एयरपोर्ट से निकले, दिल्ली जाके आपने बयान दे दिया, जिस संसद में जाओगे वहां पे भी सीआईएसएफ तैनात कर दी है बीजेपी की सरकार ने। पूरी संसद की सिक्योरिटी सीआईएसएफ के साथ है। इसलिए जब आप बोलते हैं किसी के प्रति, अपने ही देश के किसी व्यक्ति के प्रति, आंदोलनरत लोगों के प्रति, तो आपको अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बाद में पछताने और आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ नहीं रह जाता। हिंसा की बजाय आक्रोश का प्रदर्शन किसी भी और कारण से हो, हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं।